हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर की। तो देखिए, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने आइडियल इंटीग्रेटर के बारे में पढ़ा था, तो उसके जो कुछ डिसएडवांटेज थे वो प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर में उससे ओवरकम करने के लिए हम लोग प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर का यूज़ करते हैं। ठीक, अब इसमें देखिए क्या क्या चेंजेस किए गए थे सर्किट डायग्राम में। तो पहले आप सर्किट डायग्राम ड्रॉ कीजिए प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर का। तो मान लीजिए ये आपने ऑप एम्प लगा दिया, ये आउटपुट आ जाएगा। ठीक, उसके बाद ये हमारा, हमने चूंकि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज़ किया था तो ये इन्वर्टिंग टर्मिनल पे यहाँ पे हम एक इनपुट अप्लाई करेंगे, ये हो गया हमारा वी इन। ठीक है, ये इनपुट सिग्नल हो गया जिसको हमें इंटीग्रेट करना है। ये रेजिस्टेंस हो गया R1। ठीक, अब जैसे हम लोगों ने देखा था, और ये कंपेरिजन रेजिस्टेंस हमने यहाँ लगा दिया आर कॉम। ठीक, और ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये एक तरह से हो जाएगा, अभी पहले सर्किट आप पूरा कर लीजिए। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आइडियल में केवल एक ये कैपेसिटर लगा हुआ था और एक कैपेसिटर ऐसे फीडबैक में लगा हुआ था, ये CF। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर में, CF के पैरेलल में एक यहाँ पे हम फीडबैक रेजिस्टेंस भी यूज करते हैं RF। ठीक है, इसका क्या इफेक्ट होता है ये भी हम आपको बताते हैं। यहाँ पे जब आप आर कॉम को कंपेरिजन करेंगे तो ये हो जाएगा R1 और पैरेलल के साथ RF, तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगा ये किसके, R1 के। ठीक, अब देखिए ये सर्किट में RF यूज करने से क्या फर्क पड़ेगा, कि पहली बात तो ये है कि ड्यू टू द इंक्लूजन ऑफ रेजिस्टेंस RF अक्रॉस CF द लो फ्रिक्वेंसी गेन डज नॉट बिकम इनफाइनाइट। क्योंकि अभी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि इसका वोल्टेज गेन इतना हाई होता है कि अगर स्मॉल इनपुट ऑफसेट वोल्टेज भी हम लगाते हैं तो वो सेचुरेशन में चला जाता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है कि आर एफ के इंक्लूड करने से क्या होगा कि जो लो फ्रिक्वेंसी गेन है, अगर हम लो फ्रिक्वेंसी का भी सिग्नल अप्लाई करेंगे तो भी जो लो फ्रिक्वेंसी गेन है वो आपका इनफाइनाइट, लो फ्रिक्वेंसी गेन विल नॉट बिकम इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट नहीं होगा। ठीक है, और ये तो कहाँ कितना जाएगा, ये मैक्सिमम जाएगा तो लो फ्रिक्वेंसी गेन इस केस में पहुंचेगा माइनस का RF/R1 तक। तो पहली प्रॉब्लम तो ये दूर हो गई। सेकेंड क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ RS इज वेरी हाई, RF क्या है इसकी वैल्यू बहुत हाई लेते हैं हम, क्यों लेते हैं कि देयर फोर इट डज नॉट अल्टर द सर्किट ऑपरेशन इन एनी अदर वे। इसको हम हाई इसलिए रखते हैं कि ये काम तो, ये पहला वाला जो पॉइंट हमने बताया, इस काम को तो ये फुलफिल करे, इसके अलावा किसी भी तरह से वो सर्किट के ऑपरेशन को डिस्टर्ब ना करे। ठीक, और तीसरा क्या है कि इससे क्या हो जाएगा, फिर द एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट वोल्टेज रिमेन सेम एज दैट ऑब्टेन फॉर द आइडियल इंटीग्रेटर। यानी आउटपुट वोल्टेज हम निकालेंगे तो वो सेम आएगा जो आइडियल इंटीग्रेटर के केस में था, जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। ठीक है, तो खाली ये RF जो है, जो लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल हम नहीं अप्लाई कर सकते थे आइडियल इंटीग्रेटर के साथ में क्योंकि गेन इनफाइनाइट था, तो वो इनफाइनाइट पहुंच जा रहा था, इसको हम कंट्रोल कर लेते हैं RF लगा के। तो ये एक तरह से आपका, इसको आप लिख सकते हैं, ये एक प्रैक्टिकल, और चूंकि हमने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर किया है तो हम यूज किया है, तो हम लिखेंगे प्रैक्टिकल इन्वर्टर और इंटीग्रेटर का सर्किट हो गया। ठीक, अब इसमें तीन पॉइंट तो ये हो गए, चौथा क्या है, चौथा ये है कि एट हाई फ्रीक्वेंसी XCF इज वेरी स्मॉल, हेंस इट विल शंट द फीडबैक रेजिस्टेंस RF एंड द हाई फ्रीक्वेंसी गेन ऑफ द इंटीग्रेटर विल बी वेरी लो। तो अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी भी बात करें, हाई फ्रीक्वेंसी पे तो रिएक्टेंस क्या होगा हाई फ्रीक्वेंसी का, बहुत भाई 1/ωC, मतलब 1/2πfC, तो ये बहुत स्मॉल आएगा, इट बिकम्स वेरी स्मॉल। और जब ये स्मॉल आएगा तो जो भी करंट यहाँ आएगी, जब यहाँ पे कम उसको इंपेडेंस का रास्ता मिलेगा तो वो सारी करंट यूं चली जाएगी। ठीक, यूं चले जाने का मतलब क्या हुआ, सॉरी ये CF कम हो रहा है ना, तो सारी करंट इसके थ्रू चली जाएगी ऐसे। ठीक है, इसके थ्रू जाने से क्या होगा, ये वाला हटा दीजिए। ठीक, तो इसके थ्रू जाने से क्या होगा आपका कि
आरएफ जो है वो शंट हो जाएगा, ठीक है। तो आरएफ शंट होने से फायदा क्या होगा कि जो हाई फ्रीक्वेंसी गेन है, अगर हाई फ्रीक्वेंसी भी हम लें तो इस पे जब हम गेन निकालेंगे तो वो वेरी लो आएगा, तो ये प्रॉब्लम भी दूर हो गई। नेक्स्ट, अब इसके बाद जो है ये जो आर कॉम, ये जो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया है, इसमें लिखा है कि द रेजिस्टेंस आर कॉम कनेक्टेड फ्रॉम द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल टू द ग्राउंड एंड इट इज यूज टू रिड्यूस द एरर्स ड्यू टू बायस करेंट। मतलब बायस करंट की वजह से अगर कोई एरर आ सकती है तो अगर आप इसको ग्राउंडिंग कर देंगे तो वो एरर जो है दूर हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी, बायस करंट की वजह से आने वाली प्रॉब्लम भी इस केस में दूर हो जाएगी, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग बात करते हैं इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म की, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म मान लीजिए, हमने कहा कि प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर को हमने जो इनपुट दिया है वो इनपुट हमारा पल्सेस फॉर्म में है, ठीक है। वो इनपुट जो है हमारा वो स्क्वायर वेव है। जैसे हमने कहा, मान लीजिए सपोज कीजिए ये हो गया, ये हमने कहा दिस इज वी इन, और यहाँ पे हमने ये इनपुट वेवफॉर्म हमने ड्रॉ कर दिया, ऐसे समझ लीजिए, ठीक। ये हो गया हमारा जीरो, ये टी बाई टू, ये टी, ठीक है। उसके बाद फिर ये आपका थ्री टी बाई टू एंड सो ऑन। ये हमारा इनपुट वेवफॉर्म हो गई, इसको आप लिख सकते हैं इनपुट वेवफॉर्म। अब जो आउटपुट मिलेगा हमको यहाँ पे, जो आउटपुट मिलेगा वो हमें किस तरह मिलेगा, आप आउटपुट की वेवफॉर्म जब आप ड्रॉ करेंगे तो सपोज कीजिए ये हमने ले लिया, ये टाइम एक्सिस हो गया, यहाँ पे हमने आउटपुट शो कर रहा है, ठीक है। तो जो आउटपुट हमको मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा, ये टी बाई टू हो गया, ये टी हो गया, ये थ्री बाई टू, यहाँ पे लिख लीजिए आप चाहे तो, ये हो गया टी बाई टू, टी थ्री टी बाई टू, ठीक। तो आउटपुट जो हमको मिलेगा वो मिलेगा हमें इस तरह, ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, ये ऐसे ड्रॉ कीजिए स्ट्रेट, फिर ऐसे, मतलब ट्रायंगुलर वेव फॉर्म में हमको ये आउटपुट वेव फॉर्म हमको इस तरह मिलेगी, ठीक। और वैसे भी ये स्क्वायर वेव है, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो यही वेव फॉर्म आएगी, ठीक है। तो अब इसमें जब वेव फॉर्म को आप देखेंगे तो इसमें एक चीज आपकी ये आती है, देखिए कि वी नोटिस दैट द कैपेसिटर सी एफ इज बीइंग चार्ज एंड डिस्चार्ज लीनियरली, ठीक है। देखिए ये जो आपकी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ये सब, ये तो इसमें चाहे ये पोर्शन लीजिए, चाहे ये पोर्शन लीजिए, चाहे वापस ये पोर्शन लीजिए, ये सब लीनियर है। इसका मतलब जो कैपेसिटर जो सर्किट में हमारे लगा हुआ है कैपेसिटर, वो चार्ज हो रहा है, फिर डिस्चार्ज हो रहा है और फिर चार्ज हो रहा है, लेकिन जैसे भी हो रहा है ये लीनियरली हो रहा है, एक्सपोनेंशियली नहीं हो रहा है, ये लीनियरली हो रहा है, ठीक। दिस लीनियरिटी इज ड्यू टू द कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग करेंट ऑफ द कैपेसिटर। और ये लीनियरली इसलिए चार्ज और डिस्चार्ज हो रहा है क्योंकि जो करेंट उसके अंदर फ्लो कर रही है, जो करंट फ्लो कर रही कैपेसिटर में, वो कांस्टेंट इन नेचर है, वो कांस्टेंट वैल्यू है करंट की, इसलिए ये कैपेसिटर आपका चार्ज और डिस्चार्ज दोनों हो रहा है लेकिन लीनियर ढंग से हो रहा है, ठीक। अब इसमें एक चीज और आती है, उसमें आप उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट वोल्टेज। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मालूम है जो फीडबैक रेजिस्टेंस हम लोग यूज कर रहे हैं दैट इज ग्रेटर देन आर वन, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा कि इसका जो आउटपुट एक्सप्रेशन आएगा वो वही आएगा, सेम आएगा जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं आइडियल इंटीग्रेटर के केस में, ये आपको ध्यान रखना। और आइडियल इंटीग्रेटर के केस में जो हमने आउटपुट पढ़ा था वही इसमें आएगा, ठीक। अब आ जाइए नेक्स्ट, प्रॉपर इंटीग्रेशन की, इसको आप अलग से आप ध्यान भी रख सकते हैं, कंडीशन फॉर प्रॉपर इंटीग्रेशन। मतलब प्रॉपर इंटीग्रेशन कब होगा, कब सर्किट अच्छी परफॉर्मेंस देगा।
तो उसके लिए उन्होंने क्या कंडीशन कहा हुआ है कि द प्रॉपर इंटीग्रेशन ऑफ द इनपुट सिग्नल हैविंग ए टाइम पीरियड टी द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। तो यानी कि ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, जो टाइम पीरियड है इनपुट सिग्नल का वो छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किससे, आरएफ इनटू सीएफ से। ये कंडीशन है प्रॉपर इंटीग्रेशन की, क्लियर। और यहां पे आप ये लिख सकते हैं कि वेयर आरएफ इनटू सीएफ इज इक्वल टू 1/2π और फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो ये प्रॉपर कंडीशन की, प्रॉपर इंटीग्रेशन के लिए कंडीशन आ गई, ये आप ध्यान रखिएगा। अब कुछ इसके एडवांटेज पढ़ लीजिए कि एक्टिव इंटीग्रेटर के एडवांटेज क्या होते हैं, ठीक है। तो अब आप इसको लिख सकते हैं एडवांटेज ऑफ एक्टिव इंटीग्रेटर। देखिए ये तो जो हमने पढ़ा, चाहे आपका आइडियल हो चाहे प्रैक्टिकली, दोनों क्या है, एक्टिव इंटीग्रेटर है। पैसिव इंटीग्रेटर जो होते हैं वो तो केवल इंडक्टर यूज करके बन जाते हैं, तो वो हम लोग पीछे का सिलेबस, मतलब वो हम लोग सिलेबस से पहले ही ऑलरेडी हम लोग 11-12 लेवल पे पढ़ चुके होंगे, ठीक। तो एक्टिव इंटीग्रेटर के जो एडवांटेज है वो आप याद कर लीजिए। पहला क्या है, लो डिस्टॉर्शन। आप सब लोग जानते होंगे आउटपुट वेवफॉर्म में जो भी गड़बड़ी होती है दैट इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन। जब कभी ये टॉपिक आएगा तो आपको डिटेल में अच्छे से समझा देंगे, लो डिस्टॉर्शन। दूसरा आप कह सकते हैं बेटर लीनियरिटी, ठीक। तीसरा आप कह सकते हैं गेन कैन बी कंट्रोल्ड, ठीक है। चौथा एडवांटेज इसका क्या है, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जो होता है इसमें, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस वो शार्प होता है, दैट इज शार्प एक्यूरेट। पांचवा क्या है कि लेस नॉइजी, या आप लिख सकते हैं कि लेस इफेक्ट ऑफ नॉइज। और सिक्स्थ एंड द लास्ट ये है कि सर्किट जो है हाई स्टेबल होता है, हाई स्टेबल। और जब हाई स्टेबल होगा तो इसी को दूसरे ढंग से आप लिख सकते हैं कि वेरी लो पॉसिबिलिटी ऑफ ऑसिलेशन। जब सर्किट स्टेबल है तो उसमें ऑसिलेशन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो ये तो इसके क्या हो गए, ये इसके एडवांटेज हो गए एक्टिव इंटीग्रेटर के। अब हम लोग कुछ इसके डिसएडवांटेज की भी बात कर लेते हैं। तो इसके जो डिसएडवांटेज होते हैं एक्टिव इंटीग्रेटर के, डिसएडवांटेजेस, ठीक। तो पहला डिसएडवांटेज इसका क्या है कि इट कैन ऑपरेट एज एन इंटीग्रेटेड ओवर ए शॉर्ट फ्रिक्वेंसी रेंज। मतलब एज ए इंटीग्रेटर केवल एक ये शॉर्ट फ्रिक्वेंसी रेंज में ही, छोटी फ्रिक्वेंसी के बीच में ही, रेंज के बीच में ही ये इंटीग्रेटर की तरह काम कर पाता है। सेकेंड क्या है कि आउटसाइड द फ्रिक्वेंसी रेंज, अगर आप इस फ्रिक्वेंसी रेंज से बाहर जाएंगे, आप इससे कम फ्रिक्वेंसी ले लेंगे या इससे ज़्यादा, मान लीजिए हमने कहा फ्रिक्वेंसी रेंज डिफाइंड है से सपोज कीजिए F1 से F2 के बीच में, अगर आप F1 से कम फ्रिक्वेंसी ले लेंगे तो भी और F2 से ज़्यादा ले लेंगे तो भी, जहां आप इस रेंज से बाहर जाएंगे तहां जो आउटपुट है वो क्या होगा, वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, आउटपुट डिस्टॉर्टेड, ठीक। ये डिसएडवांटेज है। थर्ड पॉइंट क्या है कि ऑपएम्प के जो पैरामीटर हैं, ऑपएम्प के अपने पैरामीटर होते हैं, इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस, वोल्टेज गेन, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं किसको, आउटपुट को, इंटीग्रेटर के आउटपुट को ऑपएम्प के पैरामीटर अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक, करते हैं। और नेक्स्ट क्या है कि इसमें गेन जो है वो रिड्यूस करता है, गेन रिड्यूसेस विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे हम हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ बढ़ते हैं गेन कम होने लगता है, ठीक है। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं, इसलिए हमने आपको मेंशन कर दिया कि आपको डिसएडवांटेज भी पता है। अब बात आती है कि ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, सर्किट डायग्राम, इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली।
अब बात आती है कि इंटीग्रेटर का यूज कहां कहां पे होता है, तो हम लिख सकते हैं इसको एप्लीकेशन ऑफ एन इंटीग्रेटर, किसी भी इंटीग्रेटर का या इंटीग्रेटर सर्किट का यूज कहां कहां पे होता है। तो देखिए मैक्सिमम जगह पे होता है, कुछ मैं आपको मेंशन कर देता हूं। पहला क्या है कि ट्रायंगुलर वेव या रैंप जनरेटर में, इन ट्रायंगुलर वेव और जो रैंप सिग्नल हम लोग बोलते हैं, रैंप जनरेटर में आप इंटीग्रेटर का यूज करते हैं। सेकंड क्या है कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ये डिजिटल ट्रॉनिक्स में मेरी वीडियो पड़ी होगी, देख लीजिएगा। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या होते हैं, जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, वहां पे भी इंटीग्रेटर का यूज होता है। थर्ड क्या है, इन द इंटीग्रल टाइप कंट्रोलर यूज्ड इन ए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, जैसे पीआईडी कंट्रोलर और पीआई कंट्रोलर ये सब होते हैं। जब हम लोग कंट्रोल सिस्टम के भी लेक्चर्स वीडियो जिस पे चैनल पे डाले जा रहे हैं, अगर आपके सब्जेक्ट में कंट्रोल सिस्टम है या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको कंट्रोल सिस्टम पढ़ना है, तो आप उन वीडियोस को रिफर कीजिए। आई हैव जस्ट स्टार्टेड, तो आपको शुरू से आप उस पर पकड़ बना लेंगे उस सब्जेक्ट पे। तो जो इंटीग्रल टाइप कंट्रोलर होते हैं, इंटीग्रल टाइप कंट्रोलर, उसमें भी इंटीग्रेटर सर्किट का यूज होता है। नेक्स्ट आप आ जाइए, एनालॉग कंप्यूटर्स में यूज होता है। एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं, हम लोग जो यूज करते हैं वो डिजिटल है। एनालॉग कंप्यूटर भी जो, जैसे वेदर फोरकास्टिंग और आपका फ्लड फोरकास्टिंग, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इन सब में एनालॉग कंप्यूटर का यूज होता है। तो एनालॉग कंप्यूटर्स में ये यूज होते हैं इंटीग्रेटर, किस लिए, टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर्स में इंटीग्रेटर का इस्तेमाल किया जाता है। फिर नेक्स्ट आप आ जाइए, फिफ्थ इसका एप्लीकेशन है लो पास फिल्टर में। फिल्टर वो सर्किट होता है जो रेक्टिफायर के आउटपुट में से एसी को अलग करता है, क्योंकि रेक्टिफायर का आउटपुट कायदे से प्योर डीसी होना चाहिए, तो फिर भी जो कुछ एसी पार्ट उसमें रह जाता है उसको फिल्टर करने का काम फिल्टर सर्किट करता है। तो लो पास फिल्टर, फिल्टर जैसे चार तरह के होते हैं, लो पास, हाई पास, बैंड पास और बैंड रिजेक्ट, तो उसमें जो लो पास फिल्टर होता है उसमें इंटीग्रेटर सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है। अब आ जाइए सिक्स्थ एप्लीकेशन पे, इन द कम्युनिकेशन सर्किट्स फॉर रिकवरिंग द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। कम्युनिकेशन सर्किट्स में मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को रिकवर करने में, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या होता है, ये जब अभी कम्युनिकेशन, अगर कि आप में से किसी को पता करना है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिएगा, मैं आपको उस पर सेपरेट वीडियो डाल दूंगा, या आपको इंडिविजुअली मैं मेल कर दूंगा, या अपनी वीडियो भेज दूंगा। ये कम्युनिकेशन में यूज होता है, जब सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसमें वो उसको मॉड्यूलेटेड फॉर्म में किया जाता है। और मॉड्यूलेटेड फॉर्म कैसा होता है, उसमें एक कैरियर सिग्नल होता है और एक जो आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है, उनको मिक्स करते हैं तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनता है और उस सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है। तो अभी हम लोग उधर डीप में नहीं जाते हैं, आप ये याद रख सकते हैं कि हाँ, कम्युनिकेशन सर्किट में मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में इंटीग्रेटर सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप आपको इंटीग्रेटर का पूरा सारे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी टर्म के बारे में आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट मेंशन कीजिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो चैनल पर अवेलेबल हो तुरंत आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।